आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से वित्त मंत्री का इंकार, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, अरुण जेटली को यूपी और रविशंकर प्रसाद को बिहार से किया जाएगा राज्यसभा। कर्नाटक के लोकायुक्त विश्वनाथ शेट्टी के दफ्तर में घुसकर चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री, लोकायुक्त की हालत खतरे से बाहर। केरल की विधानसभा में ग्रेनेड लेकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक, विधायक थिरुवंचूर राधाकृष्णन ने विधानसभा स्पीकर को ग्रेनेड भी दिखाया। कार्ति चिदंबरम के नार्को टेस्ट के लिए सीबीआई की अर्जी, पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई अर्जी, आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई के रिमांड में है कार्ति। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पर कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, मई 2014 में चिदंबरम ने कंपनियों को फायदा पहुंचाया। आप एमएलए प्रकाश जायसवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, अमानतुल्ला की जमानत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। यूपी पुलिस के एक और फर्जी एनकाउंटर का खुलासा, गाजियाबाद के साहिबाबाद कोतवाली पुलिस की करतूत हुई उजागर। गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर दो हिस्सों में बटी देहरादून एक्सप्रेस की बोगियां, बड़ा हादसा टला, यात्रियों में अफरातफरी। डिपो से कूदकर स्टेशन की पटरियों पर प्लेटफॉर्म पर जमा हुए ट्रेन में सवार लोग। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान, दिल्ली के हरिनगर स्थित दीनदयाल अस्पताल में हड़ताल पर हैं डॉक्टर। गाजियाबाद यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल और नंदी का पुतला फूंका गया, सपाइयों ने फूंका पुतला। हरियाणा विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रोटेस्ट, हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इनेलो ने किसान अधिकार रैली की, एसवेल निर्माण की मांग को लेकर रैली हुई, ओपी चौटाला नहीं हुए शामिल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई, नकल रहित परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने तैयारी की। परीक्षाओं के लिए हरियाणा में बनाए गए हैं कुल 1755 परीक्षा केंद्र, 22,815 सुपरवाइजर्स की गई है तैनाती। अहमदाबाद की नेहरू कॉलोनी के जंगलों में 2 मार्च को बरामद हुई युवक की लाश का मामला सुलझा, रिश्तेदार ने गला दबाकर की थी हत्या। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यापारी की पिटाई, रेलवे के पार्सल विभाग के कर्मचारियों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, होली की शाम की है बुजुर्ग व्यापारी से मारपीट की घटना। पीड़ित का आरोप है कि वो अपनी सब्जी के पार्सल की डिलीवरी लेने गया था, शराब के नशे में धुत बुकिंग क्लर्क और उसके साथी कर्मचारियों ने रिश्वत न देने पर मार पिटाई की। हरियाणा के अंबाला में नवजात बच्चे को 1.5 लाख रुपए में बेचती 2 महिलाएं गिरफ्तार, दोनों को रंगे हाथों पकड़ा पुलिस। महिलाएं बच्चे को कहां से लाई है इसकी जानकारी महिलाओं ने पुलिस को नहीं दी, पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। किरण और रेणु नाम की महिलाएं बलदेव नगर की एक महिला को बेचना चाहती थी बच्चा, महिला को शक हुआ तो उसने पुलिस को इत्तला दी। फरीदाबाद के गांव खंडावली निवासी जुनैद की हत्या का मामला, पिता जलालुद्दीन के याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, पिता ने हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग। अवैध संबंधों के आरोपों में पत्नी से विवाद में फंसे क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया।